की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस में अंतर्कला होने के प्रमाण एक बार फिर से सामने आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी और छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी के बीच कथित व्हाट्सएप चैट अब जमकर वायरल हो रही है, जिसमें बस्तरिया नामक व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, उनके बेटे दीपक कर्मा और कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी लेखी को लेकर अभद्र टिप्पणी उजागर हुई है। घटना से स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती महेंद्र कर्मा ने कथित चैटिंग की जांच के लिए दंतेवाड़ा एसपी से जांच और कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। तो वहीं पूर्णचंद पाड़ी और हरीश कवासी इस पूरी घटना को पार्टी और पर्सनल छवि को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल कथित चैट में मंत्री के बेटे का दावा है कि पिता कवासी लखमा को संगठन में कोई नहीं पूछता है। वहीं पूर्ण पाड़ी तो सीमाओं को लांघते हुए राहुल गांधी के बारे में बेहद ही अश्लील शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये सुनकर भी बहुत मुझे भी दुख लगा और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में भी अपने कांग्रेसी उनको भी दुख लगा। लेकिन ऐसा कांग्रेसी होकर भी ऐसा बात निकाले और व्हाट्सएप में दिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी इतने बड़े दिल्ली में रहते, वो भी सब कांग्रेसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी ऐसा, और शर्मा जी शहीद हो गए, उनको भी इतना ऐसा, उनको मुंह से और ऐसा करने का हिम्मत कैसे हुआ। पाड़ी हरीश चैटिंग, हरीश कवासी के बीच जो चैटिंग हुई है, इसके बारे में कवासी हरीश ने खुद सुकमा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि हमारी सरकार बनी है और कांग्रेसियों को बदनाम करने के लिए, और वो स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश जान बुझ करके बदमाशी कर रहा है। पूर्व विधायक ड्यूटी करवा मैडम ने दो जो कांग्रेस के नेता के में आपस में बक्सरिया ग्रुप में चैट करने की बात जो कही जा रही है उसकी सत्यता के लिए जांच के लिए हमारे पास लेटर भेजा है, क्योंकि कवासी लखमा के पुत्र हरीश लखमा जी ने पहले ही कहा है कि ये जो है इन्हें बदनाम करने के लिए साजिश के तहत जो है ये ग्रुप में वायरल किया जा रहा है, और उन्होंने सुकमा कोतवाली में इसकी शिकायत की है।